हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप में से काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके बोलते हो कि बजट वाले स्टेकेशन प्रॉपर्टीज़ कवर कीजिए। तो इस बार हम ऐसी जगह पर आए हैं जो कि हिडन जेम है महाराष्ट्र का, और उसके साथ साथ ही बहुत बजट फ्रेंडली भी है। और उतना ही नहीं, ये जो लोकेशन है वो इतना यूनिक और ऑसम है कि आप जो बजट यहाँ पर स्पेंड करोगे वो कम्प्लीटली वर्थ इट होगा। हमने जस्ट प्रॉपर्टी में चेक इन किया है और क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना सुंदर व्यू है। आपने इंट्रोडक्शन में भी देखा ही होगा, बट ये पूरा प्रॉपर्टी का टूर देने से पहले, रूम टूर देने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हम अभी कहाँ पर है। हम आए हैं तापोला में, जो कि महाबलेश्वर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, और ये भी एक हिल स्टेशन है। और महाबलेश्वर हम सभी लोग जानते हैं काफ़ी फेमस है, क्राउडेड भी होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। और स्पेसिफिकली इसी रीज़न के वजह से हमने ये वाला लोकेशन सिलेक्ट किया है, क्योंकि शांति है, बजट फ्रेंडली यहाँ पर स्टेज है, प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे व्यू भी इनक्रेडिबल है। शिवसागर लेक का, ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है महाराष्ट्र में। और जो यहाँ पर पहुँचने का जो रास्ता था वो काफ़ी अच्छा है, मतलब आप मुंबई बैंगलोर हाईवे से ही आते हो। हम सुबह 7 बजे निकले थे, हम आफ्टरनून में यहाँ पे अराउंड 1:30 पहुँच गए। बीच में हमने एक ब्रेक भी लिया था। महावेश का जैसे ही आप टर्न लेते हो तो थोड़ा नैरोअर रास्ता शुरू होता है, तो लास्ट का 60-70 किलोमीटर्स में आपको नैरो रास्ता मिलेगा। रोड कंडीशन अच्छा है। प्रॉपर्टी में पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर्स है, वो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है क्योंकि वहाँ पर काम शुरू है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप सुबह जल्दी ही निकल जाइए ताकि आप सनसेट होने से पहले पहुंच जाओगे यहाँ पर। और गाइज, ये रिसोर्ट का पार्किंग है, काफी बड़ा पार्किंग है, और सामने शिवसागर लेक है। यहाँ पे आती, जैसे किंजल ने बोला ना, बहुत ज्यादा ग्रीनरी फील होता है। हाँ, और पीसफुल भी है, बहुत ज्यादा पीसफुल, एकदम शांत लग रहा है। और हम लोग मुंबई और ठाणे जैसे सिटी में रहते हैं तो इतना शांति सहन नहीं होता है, है ना। और अब भी हम लोग यहाँ पे बैठे, बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये। आई गेस मैंगो का ट्री है, और पेड़ के नीचे खाट लगाई है, और यहाँ से सामने भी व्यू बहुत अच्छा है। अभी हम लोग आपको रूम टूर देते हैं, रूम भी हम लोग का बहुत अमेजिंग है। सो गाइज, ये है हमारा रूम। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स है, कपल रूम और फैमिली रूम। हमने बुक किया है कपल रूम, सो लेट मी गिव यू अ क्विक टूर। रूम काफ़ी स्पेशियस है, और स्पेशली बड़े बड़े विंडोज होने की वजह से नेचुरल लाइट आता है, तो रूम और भी थोड़ा बड़ा दिखता है। किंग बेड दिया उन्होंने जो काफ़ी कम्फर्टेबल लग रहा है, उसके साथ उसके साइड में ठीक मिरर है रेडी होने के लिए। फिर यहाँ पर है कबर्ड, कबर्ड के साथ नीचे उन्होंने दिया है रेफ्रिजरेटर, और उसके साइड में है चाय कॉफ़ी का सारा सामान, इलेक्ट्रिक कैटल भी है यहाँ पर, उसके साथ ये टेलीविजन है, और ये है बाथरूम। डोंट वरी, ये ब्लाइंड्स है यहाँ पे, तो ये पूरा कवर भी हो जाता है। बाथरूम का साइज भी काफ़ी डिसेंट है, और उन्होंने जो भी नेसेसरी टॉयलेटरीज है वो सारी दी हुई है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कैरी करने का। गाइज, नाउ लेट मी शो यू द बेस्ट पार्ट ऑफ आर रूम, और वो है ये बालकनी। काफ़ी स्पेशियस है ये भी, और यहाँ पे उन्होंने टेबल और 2 चेयर्स दिए हैं, बैठ के आप यहाँ पे अपना चाय कॉफ़ी आराम से इन्जॉय कर सकते हो इनक्रेडिबल व्यू के साथ। उसी के साथ यहाँ पे प्राइवेट प्लंज पूल है जो कि ओवरलुक करता है शिवसागर लेक को, और यहाँ से है शिवसागर लेक का पूरा व्यू। और गाइज, ये है फैमिली रूम। अगर आप 4 लोगों के ग्रुप में आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। ये एग्जैक्टली कपल रूम जैसा ही है इसका साइज़ और अंदर की सारी एमिनिटीज़। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे आपको 1 किंग साइज़ बेड मिलता है, यहाँ पर आपको 2 क्वीन साइज़ बेड मिलते हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें सेम है। इसका जो कॉस्टिंग है फैमिली रूम का वो पर पर्सन के हिसाब से होता है, कपल रूम का आप कपल के हिसाब से पे करते हो, बट बाकी सब सेम है। आपको इसमें प्राइवेट प्लंज पूल, लेक का जो इनक्रेडिबल व्यू है वो सारी चीज़ें मिलती है, और जो कॉस्टिंग
कॉस्टिंग है वो आप सुनोगे तो आप एकदम शॉक हो जाओगे, बहुत ग्रेट डील है। इसके जो कॉस्टिंग की सारी डिटेल्स है हम आपको आगे चलकर वीडियो में बताएंगे, सो स्टे ट्यून। सो अभी काफ़ी भूख लग रहा है और हमारे जो पैकेज में मील सारे इंक्लूडेड है, जिस दिन आप पहुँचोगे उस दिन 3 मील्स होता है और बाकी के नेक्स्ट डे पे 4 मील्स इंक्लूडेड होते हैं। सो अभी लंच कर लेते हैं। ये है उनका रेस्टोरेंट, मस्त व्यू एंजॉय करते करते खाएंगे अभी। सामने वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है। सो गाइस हम लोगों का फूड आ चुका है, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना। हम लोगों ने नॉन वेज और वेज दोनों बोला है। ये एक चिकन है और पनीर का सब्जी है, सलाद है, उसके साथ ये मटकी है, हाँ मतलब स्प्राउट्स है और चपाती। तो हम लोग के साथ बाय द वे गाइस किंजल की बहन निशु भी है, हाय, और विकास भी है, हाय। सो वेज में है ये पनीर की सब्जी, काफ़ी रिच लग रही है और ड्राई फ्रूट्स भी है इसमें काफ़ी सारे। ये है चिकन का सब्जी, चिकन ग्रेवी है ये। यहाँ पे है मटकी, उसके बाद ये डेजर्ट में है श्रीखंड, सैलड है, चपाती, पापड़ और राइस भी आएगा। दोपहर का फूड बहुत ही मस्त था, एकदम टेस्टी था ना। हाँ, और थोड़ा ओवर ईटिंग भी हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने अभी नैप लिया मस्त 1-2 घंटे का। अभी हम लोग जा रहे हैं शिव सागर लेक जो है सामने, वहाँ पे बोटिंग और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, तो उसमें से कोई एक्टिविटीज़ हम लोग करके आते हैं। अभी शाम के 4 बजे तो थोड़ा सन भी नीचे गया है तो वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट हो गया। और बाय द वे ये लेक और मतलब आप इसे कोयना रिवर का बैक वाटर भी बोल सकते हो, और ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। सो अभी हम पहले कर रहे हैं पैडल बोटिंग, ये भी पैकेज में इंक्लूडेड है। थोड़ा सा हम नीचे हाइक करके आए एक 500-600 meters, और अभी मस्त लेक में हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, कुछ ही समय में सनसेट भी हो जाएगा। कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था बट अच्छा हुआ मैंने डिसाइड किया कि जाती हूँ मैं, करके देखती हूँ। जैसे ही हम लोगों ने कायक करना शुरू किया ना और लेक के बीच में पहुँचे तो इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ ऐसे माउंटेन, लेक के बीचों बीच मस्त हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। अगर आपका भी फर्स्ट टाइम है ना तो डर थोड़ा बहुत लगता भी रहेगा ना, फिर भी कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने जैकेट वगैरह दिया, लाइफ जैकेट वगैरह, वो काफ़ी सेफ है। और अगर आपको इनकेस लग रहा है तो यहाँ के जो उनके एक्सपर्ट है उनको साथ में लेकर चले, मतलब आपका थोड़ा डर और कम हो जाएगा। और जो इनका यहाँ पे पैडल बोटिंग है और कायाकिंग है वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, आपको इसके लिए एडेड कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस अभी हम लोग इनके प्ले एरिया में, यहाँ पे अब लूडो, कैरम या फिर वहाँ पे डार्ट गेम भी है, और वहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग्स और काफ़ी कुछ रखा है। हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं चाय और नींबू शरबत, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट ट्रिक करके आए तो सब लोग को नींबू शरबत चाहिए था। कौन जीत रहा है यहाँ पे? निशु जीत रही है। तू जीत रही है। नाइस, कैसा है टेस्ट? चिकन बारबेक्यू, स्मोकी फ्लेवर है, अंदर से सॉफ्ट है, फ्रेश है, फ्रेश है एकदम, मस्त है, सही है टेस्ट। सो अभी हमने थोड़ा सा काम किया, कुछ अर्जेंट मेल्स थे उनका रिप्लाई करना था तो वो कर लिया, और हम जहाँ पे नेक्स्ट जा रहे हैं उसकी सारी तैयारी भी करनी थी, कुछ बुकिंग्स करने थे अर्जेंटली, तो वो सब हमने कर लिए। और यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, जियो अगर रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क मिलेगा बट इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है,
और वाईफाई है। आपको अच्छा स्पीड चाहिए तो रेस्टोरेंट में कर सकते हो आप बैठ के, जो भी आपका काम है वो हमने वही किया। सो अभी हम डिनर करने आए हैं और आज हमारा खाना बुफे में है क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट थे आज। पनीर की ये सब्जी, दाल, उसके साथ जीरा राइस, पापड़। गुड मॉर्निंग गाइज, आज के दिन की शुरुआत हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से की। एक्चुअली ना हमारे रूम से ही सनराइज़ और सनसेट दोनों दिखता है, तो हमने आज सुबह सनराइज़ देखा और इतना प्यारा था, मस्त गोल्डन लाइट, फॉग से पूरा लेक कवर था और माउंटेन का बैकग्राउंड, इसके वजह से वो और भी पूरा प्यारा लग रहा था। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो सनराइज़ और सनसेट दोनों भी मिस मत करना यहाँ से। और रात को ना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों ने कल रात को यहाँ पे बॉनफायर भी किया था, मस्त लगता है ना बॉनफायर रहता था भी। सो गाइज़, यहाँ पे इनके अलग अलग टाइप के रूम है, जैसे ये वाला है ये बेसिक रूम है, उसके बाद में ये ऊपर वाले रूम है, और उसके भी ऊपर जो रूम है वो हम लोगों ने बुक किया है जहाँ पे प्लंज पूल भी है और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। अगर आपको व्यू बहुत अच्छा चाहिए ना तो वो ऊपर वाले रूम लेना। और एवरी कैटेगरी में आपको फैमिली रूम्स और कपल रूम ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स मिलेंगे। अगर आप बेसिक कैटेगरी का रूम्स बुक करते हो तो 4,000 रुपीज़ पर कपल चार्जेस है, और अगर आप बड़े ग्रुप में आते हो तो वही आपको पर पर्सन के हिसाब से पे करना होगा। और इसमें आपका सारा मील्स, और हमने एक्चुअली ये वीडियो में जो जो चीज़ें आपको दिखाई वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है एक्सेप्ट पकौड़ा ड्यूरिंग टी टाइम। और हमने जो रूम बुक किया है वो प्राइवेट प्लंज पूल वाला रूम, वो अप टू 10,000 to 12,000 के रेंज में है पर कपल। इसमें भी आपका सारा इंक्लूडेड होता है, मील्स वगैरह, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में आ रहे हो, वीकडे है या वीकेंड है, तो आप उनको कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। हमने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं तापुला को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो हम लोग जाएंगे बोट से, बट वो पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइज।